हे हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अरविंद गुप्ता और मैं अगेन आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूँ, जो कि है डैंड्रफ। हर किसी को पांच में से तीन लोगों को डैंड्रफ तो होती ही है, और लाइफ में हर किसी को कभी ना कभी डैंड्रफ हुई होती है। तो मैं आपको पहले बताऊंगा कि डैंड्रफ होती क्यों है और क्या आप ऐसी सावधानी बरत सकते हैं जिससे डैंड्रफ आपको ना हो, और अगर फिर भी हो गई है तो क्या बेस्ट सॉल्यूशन है जिससे आपकी डैंड्रफ खत्म की जा सकती है फर्स्ट वॉश में। तो गाइस, डैंड्रफ क्या है? डैंड्रफ एक टाइप से फंगल इन्फेक्शन है, फफूंद है, जो कि हमारे स्कैल्प में ग्रो होने लगती है। अभी कब होती है? खासकर जैसे कि बरसात का मौसम हो रहा है, आपके बाल गीले रह जाते हैं, नहाने के बाद आप उसको ड्राई नहीं कर पाते हैं प्रॉपर, वहाँ पे नमी रह जाती है, या वहाँ पे आप प्रॉपर वॉश नहीं करते हैं, गंदगी जम जाती है। हमारे स्कैल्प में ऑयल सिक्रीशन होता है, सीबम सिक्रीशन होता है, जिसके कारण वहाँ पे वो एक लेयर जमा देता है और इसमें कई बार फंगल इन्फेक्शन ग्रो होने लगता है, फंगस ग्रो होने लगती है। तो जिसके कारण आपको कई ऑयली डैंड्रफ होती है, किसी को ड्राई डैंड्रफ होती है। आप देखो, कोई काले टी शर्ट नहीं पहन पाते बहुत सारे लोग, उनके यहाँ यहाँ पे पूरा वाइट स्नोफ्लेक्स टाइप के झड़ के गिरने लगते हैं, जो बहुत ही गंदे लगते हैं। मेरे को भी कई बार डैंड्रफ हुई है और मैं कई बार वाइट, जैसे कई जल्दबाजी में ब्लैक पहन लिया और फिर यूँ करते रहो, आप लोगों को ऐसा इशू हुआ ही होगा। तो अभी तक आप लोग क्या करते होगे? मतलब बहुत सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज मार्केट में आते हैं, आप लोगों ने फॉलो किए होंगे, लाइक जेड पीडियो वाले या कीटोकोनाजोल वाले, विच आर एंटी फंगल। तो बहुत सारे डैंड्रफ शैम्पूज आते हैं, बट वो आप अप्लाई करते हो, उसको जब आप बंद करते हो तो वापस से वो डैंड्रफ को वापस से डैंड्रफ आ जाती है। तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन जो मैं आपको बताऊँ कि देखो क्या होता है, कई बार जो हम केमिकल यूज़ करते हैं लाइक जेड पीडियो है, कीटोकोनाजोल है, जो कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये जब हम यूज़ करते हैं तो ये हमारे स्किन के अंदर एब्जॉर्ब भी होते हैं, जो कि सिस्टम में जाते हैं और लिवर पे भी अफेक्ट करते हैं। लाइक कीटोकोनाजोल इज़ थोड़ा लिवर को टॉक्सिक होता है, तो बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें डैंड्रफ को ख़त्म करना है। तो इसके लिए मैं आपको एक जैसी बहुत सी चीज़ बताने वाला हूँ, जेंटल बीस्ट का एंटी डैंड्रफ शैम्पू, जिसके अंदर बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं जो फर्स्ट वॉश में एक बार वॉश करेंगे और आपके पूरे डैंड्रफ को ये किक आउट कर देगा, एक ऐसी लात मारेगा कि डैंड्रफ बाहर जाके आपके स्कैल्प से बाहर जाके गिरेगी। तो गाइस, इसको करना क्या है, ये कैसे काम करता है? तो इसको कोई भी, जैसे मैं आपको बताया कि डैंड्रफ एक फंगल इन्फेक्शन होती है, फफूंद होती है, जो हमारे स्कैल्प में जम जाती है। तो इसके लिए आपको एंटी फंगल, कोई भी एंटी फंगल मतलब जो फंगल को ख़त्म कर दें, ऐसी चीज़ें अप्लाई करना चाहिए। अब बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मेडिकेटेड होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ होती है, जो कि नेचुरली उसको किल कर देती है। तो ये जो जेंटल बीस्ट का वन, इसका नाम ही है वन वॉश डैंड्रफ किलर, एक ही वॉश में, फर्स्ट वॉश में ही आपको डैंड्रफ को ख़त्म कर देगा। तो ये इसको लगाने का तरीका यह है कि सिंपल से आपके स्कैल्प को वेट करो, गीला करो, बालों, हम लोग जो गलती सबसे ज़्यादा करते हैं जब हम अप्लाई करते हैं कोई भी एंटी शैम्पू एंटी फंगल जो होता है, सीरम होता है, लोशन होते हैं, जो लीवॉन लोशन होते हैं, एंटी फंगल या शैम्पूज होते हैं, उसको हम बालों में लगाने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। वहाँ पे बालों की शाफ्ट में ठीक है लगाएं, बट शाफ्ट से ज़्यादा इसको स्कैल्प में लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन होता है स्कैल्प में। अभी क्या करना है कि आपको अपने स्कैल्प को गीला करना है, बालों को गीला करना है, और स्कैल्प में इसको पाम में लेके, इसको अच्छे से लेके और स्कैल्प में लगा के मसाज करना है, 1 से 2 मिनट लगा के मसाज करना है। याद रखिएगा, कांटेक्ट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी देर ये स्कैल्प में रहेगा उतनी देर वो फंगल को मारेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गए शॉवर लिया, ऐसे लगाया, खचा खचा खच खच किया और धो दिया। अगर कांटेक्ट टाइम कम रहेगा तो वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा, तो कांटेक्ट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको 1 से 2 मिनट मसाज करना, मसाज करेंगे तो वहाँ पे जो ग्रीस जमा हुआ है, जो सीबम जमा हुआ है, जो फंगल जो जमा डैंड्रफ जमी हुई है, उसको जब मसाज करके करेंगे तो वहाँ से वो रिमूव होगा, वहाँ से वो डिसॉल्व होगा और वो गीला पड़ेगा और रिमूव हो जाएगा। दूसरी बात, जब स्कैल्प में मसाज करेंगे तो वहाँ पे खून का फ्लो भी बढ़ेगा, जो कि आपके बालों को हेल्दी ग्रो होने में हेल्प करेगी। अभी वहाँ पे मसाज करके फिर आपको 1 से 2 मिनट मसाज करनी हो, फिर 1 से 2 मिनट आपको छोड़ना है। सबसे अच्छा तरीका है, बाथरूम में जाइए, मसाज करो, मतलब बालों में लगाओ उसको, मसाज करो, छोड़ दो, उसके बाद पूरी बॉडी में बाकी साबुन लगा के, जब तक लगाओ बॉडी में साबुन और जो भी आपको बॉडी वॉश लगाना है वो बॉडी में लगाइए, जब तक वहाँ पे टाइम हो जाएगा, 1 से 2 मिनट लगा के इसको छोड़ के प्रॉपरली वॉश करना है। या ये जो शैम्पू है ये आपके बाल को बहुत ज़्यादा हेल्दी, सिल्की, शाइनी, बाउंसी अलॉन्ग विद एंटी डैंड्रफ का काम करेगा। तो ये ऑल इन वन शैम्पू है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इस, खासकर इस
ये रेनी वेदर के लिए, बिकॉज इस सीजन में आपके बाल अगर गीले हो जाते हैं तो बहुत जल्दी नहीं सूखते हैं, बिकॉज पानी इतना गिर रहा, नमी मॉइस्चर मतलब पूरे इतना माहौल में बना हुआ है कि वो ड्रायर नहीं हो पाता है, और जिसके कारण डैंड्रफ इश्यूज बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। डैंड्रफ के कारण आपको एक तो कॉस्मेटिकली दिक्कत आती है कि झड़ रहा है, दूसरी बात आपके हेयर फॉल भी होना चालू हो जाता है। तो कोई नहीं पसंद करेगा डैंड्रफ को साथ में कैरी करना, और खासकर मैं तो बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, और मुझे पता है आप लोग भी पसंद नहीं करेंगे। तो गाइस इसको ये आता है 699 का है, वन वॉश डैंड्रफ किलर, जो मिलेगा कहाँ पे मैं नीचे लिंक डाल दूंगा। जेंटल बीस का प्रोडक्ट है, तो ट्रस्टेड प्रोडक्ट है। इसके ऊपर मैं और भी इसके प्रोडक्ट में मैं और भी बहुत ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ, इसके फेस वॉश को लेकर, और बहुत से कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, जो कहती है कंपनी वो करके देती है। तो गाइस जाके इसको परचेस कर लो, और आपकी डैंड्रफ का इशू अगर आपके आपको है, या आपकी फैमिली में किसी को है, या आपके किसी दोस्त वोस्त को है, तो उनको जाके शेयर मार देना ये वीडियो, और उनको बता देना कि विदाउट केमिकल किस तरीके से डैंड्रफ को ख़त्म किया जा सकता है वन वॉश में जेंटल बिस्टा।